वेलकम बैक। और अब चलेंगे अपने सेगमेंट फेसेस ऑफ एक्सचेंज की जानिब। तो जनाब मेरे साथ दो आज पर्सनालिटीज मौजूद हैं, वो भी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप पे गईं, बाहर से एक्सपीरियंस लिया, वापस आई, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वापस आकर अपने मुल्क में अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट भी यही होता है, एक्सपोजर मिल जाता है आपको, एक्सपीरियंस मिल जाता है, लेकिन वैल्यू तब आप क्रिएट कर पाते हैं जब वापस आकर अपने ही लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाऊँगी, मेरे साथ मौजूद हैं तौहीद अहमद मलिक साहब, ये म्यूज़िशियन हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर म्यूज़िक पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स हैं, और ये भी IVLP के प्रोग्राम के थ्रू बाहर गए, म्यूज़िक में इन्होंने नई एक्सप्लोरेशंस वहाँ पर की। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं आकर, ये हम इन्हीं से जानेंगे। वेलकम टू द शो तौहीद साहब। थैंक यू सो मच। और इनके साथ अब मौजूद है मैरी परवेज़, ये भी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से गई अमेरिका, और बेसिकली साइकोलॉजिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हेल्थ कंसल्टेंट हैं, एनालिस्ट भी हैं, और मैं इनका प्रोफाइल पढ़ रही थी तो उन्होंने लिखा था सेलिब्रिटी साइकोलॉजिस्ट भी हैं। ये भी हम इनसे जानेंगे कि कौन कौन सी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इनके पास आती हैं, और बिकॉज मेंटल हेल्थ एक वो इशू है पाकिस्तान में जिसको हम ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं और इस पर बात नहीं करते, और मैरी बहुत एक्टिवली इस पर काम भी कर रही हैं, बहुत सारे TV प्रोग्राम्स में भी आप इनको देखते रहते हैं। वेलकम टू द शो मैरी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तौहीद साहब मुझे ये बताइएगा सर, आप म्यूज़िशियन हैं, सो बीइंग अ म्यूज़िशियन जब आप IVLP पे गए तो क्या आप को डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिली या एक्सपीरियंस मिला? देखिए म्यूज़िक एक आर्ट तो है लेकिन ये एक साइंस भी है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है टेक्नोलॉजिकली हमारे पास इतनी वो चीज़ें नहीं थी, जो मुझे जाके अमेरिका में जो मैंने चीज़ें देखी वो बहुत शानदार थी, बहुत एडवांस थी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होते हैं, बहुत सारे जो यानी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो वहाँ जा के देखने का मौका मिला, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, यानी ये एक शानदार तजर्बा था। उसके बाद अमेरिकन्स जो हैं वो म्यूज़िक को किस तरह से वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा तजर्बा था। वहाँ जा के देखा स्ट्रीट में जो लोग हैं बैठे हैं और वहाँ पर म्यूज़िक हो रहा है, और वहाँ मैंने देखा कि बहुत शानदार किस्म के जो यानी जो इवन स्ट्रीट्स में गा रहे हैं वो इतने इतने सुर में थे, इतने इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, वो बहुत अच्छा तजर्बा है। अच्छा, तो म्यूज़िक की तो कोई ज़बान नहीं होती, म्यूज़िक तो आपको कनेक्ट करता है, तो जब आप वहाँ पर गए और बिकॉज उनका म्यूज़िक एक अपने, हमारे पास एग्जांपल्स हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की जो बाहर परफॉर्म करते रहे तो उन्हें समझ कुछ नहीं आती थी, बट गोरे जो थे या फिर जो लोग थे वहाँ के इनहेबिटेंट्स वो झूम उठते थे। सो बेसिकली जब आप वहाँ पर गए और वो जो ट्रू एसेंस म्यूज़िक का फील हुआ, आपको कनेक्टिंग चीज़ क्या लगी जो आपको लगा कि वापस आकर आप उसे पाकिस्तान में लेके आए? नहीं, ये कहना शायद गलत है कि म्यूज़िक की ज़ुबान नहीं होती, असल में म्यूज़िक जो है ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है और ये है, ये एग्जिस्ट करती है। दो चीज़ें आपको जोड़ती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें एक एक बंदा गा रहा है, चलें उसके पास तो वर्ड्स हैं, वो कुछ कर रहा है, लेकिन एक बंदा वायलिन बजा रहा है तो वो तो कोई वर्ड्स नहीं है ना। तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको सैड भी कर रही है, जो आपको खुशी भी दे रही है, जो आपके मूड को बिल्कुल ऐसे बैलेंस्ड कर रही है, वो क्या चीज़ है? वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। वो दो चीज़ों में है, एक उसको हम कहते हैं सुर और दूसरा है रिदम। तो ये चीज़ें जो है ना ये पूरी दुनिया को कनेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। यही वो वजह थी कि जब नुसरत फ़तेह अली ख़ान वहाँ पर जाके गाते थे तो लोग झूमने लगते थे, उसके पीछे वो सुर और वो रिदम है, क्योंकि आप जो लम्हा मौजूद है, मेरी जैसे साइकोलॉजी में हैं तो इनको पता होगा लम्हा मौजूद जो है उसमें रहना ये म्यूज़िक करवाता है आपसे। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ वो है जो आप इन्जॉय करते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा मेरी मुझे बताइएगा, मेंटल हेल्थ पे यहाँ पे इतना फोकस नहीं होता, बट बाहर के ममालिक में इसे बहुत कंसर्न समझा जाता है, देखा जाता है, इवन हायरिंग्स होती हैं तो फिर मेंटल हेल्थ पे बहुत बात होती है। तो जब आप वहाँ पर गईं तो वो ऐसी कौन सी नई डायमेंशंस थी जो आपको लगा कि एक्सप्लोर की हैं आपने और वापस आके आप उसे किसी ना किसी तरह इस्तेमाल करें? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पर यह है कि जैसे हम लोग मेंटल हेल्थ को यहाँ पर बात करने के लिए भी हम डरते हैं, जैसे अभी आपने कहा ना कि हम देखेंगे कि कौन कौन लोग आते हैं, ये सुनकर क्लाइंट्स भी डर जाएंगे और मैं भी, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट रखना पड़ता है और रखना चाहिए भी, क्योंकि हर किसी की जो कंफर्ट है वो इसमें नहीं है कि हम लोग जा रहे हैं किसी के पास अपना कोई मसला बताने के लिए या कोई चीज़ डिस्कस करने के लिए, बिकॉज आई एम नॉट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सो आई डोंट डील विद क्लिनिकल पेशेंट्स।
लेकिन मैंने जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वहाँ और यहाँ के कंपैरिजन में अगर देखूँ, पहली बात द कंफर्ट दैट पीपल हैव कि उनको ये नहीं लगता कि मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाना, प्रोफेशनल के पास जाना कोई बुराई है उसमें. और दूसरी चीज़ ये, आई हैड द एक्सपीरियंस ऑफ नॉट जस्ट स्टडियंग साइकोलॉजी देयर बट ऑल्सो गोइंग टू थेरेपी माई सेल्फ देयर, एंड आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन. मुझे ये लगता था कि जब तक मैं ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस नहीं करूँगी तब तक आई माइट नॉट बी एबल टू बिकम द प्रोफेशनल जो मुझे बनना चाहिए. और मुझे लगता है कि एक मेरे लिए एक बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस इसलिए भी हो गया क्योंकि जब मैं यहाँ पर वापस आई और यहाँ पर आकर जब मैंने जो प्रैक्टिसेस देखी उनके अंदर कंपैरिजन करना और उन कंपैरिजन्स के बाद फिर आप जब अपनी नॉलेज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपोजर जब आप अप्लाई करते हैं तो दैट समथिंग जिसने मुझे एज अ प्रोफेशनल स्टैंड आउट करने में मदद की. मुझे लगता है कि जब ज़्यादातर क्लाइंट्स जब हमारे पास आते हैं तो वो अक्सर मुझे ये कहते हैं कि हम लोग जब फलाने के पास गए, इस हॉस्पिटल के अंदर गए, तो हम लोगों को बहुत एक केज्ड काइंड ऑफ सी फीलिंग के ओ इट्स अ क्लिनिक, इट्स अ हॉस्पिटल, किसी को पता तो नहीं चल जाएगा, इस तरह की बातें जो कि इन इट सेल्फ अनफॉर्चुनेट है. और मैं कोशिश करती हूँ कि इसके बारे में इतनी ही नॉर्मली बात करूँ जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाने के बारे में बात करते हैं. हमारे यहाँ क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हम डॉक्टर के पास भी तब तक नहीं जाते जब तक हम बेहोश नहीं हो जाए, तो इसलिए मेंटल हेल्थ तो इन इट सेल्फ फिर एक मुश्किल काम बन जाता है. बिल्कुल सही. अच्छा तौहीद साहब, आप चूँकि अब असिस्टेंट डायरेक्टर हैं म्यूज़िक पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के, डेफिनेटली हर इदारे की अपने रिसोर्सेज होते हैं और उतनी कैपेसिटी होती है जिसके अंदर रह के काम करना होता है. हर चीज़ हम बाहर से तो नहीं लेकर आ सकते, तो जब आप बाहर से होकर आए और एक्सपीरियंस की बुनियाद पे वो कौन से नए इनिशिएटिव्स थे जो आपने लिए इस इदारे के लिए या हमारी यूथ के लिए? देखिए वहाँ यहाँ जो हमारा इदारा है पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, ये बहुत बड़ा इदारा है और इसमें ऑलरेडी बहुत अच्छा काम हो रहा है. पर वहाँ से आके वापस आके मैंने कहा कि जैसे वो टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे पता चला, ई लाइब्रेरी है, फिर आके उसमें यानी किस तरह से स्मिथसोनियन में जिस तरह का काम हो रहा है वहाँ पे, उन्होंने पूरी दुनिया के जो 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 आर्ट है उसको वो सेव कर रहे हैं. तो ये आइडिया एक बहुत अच्छा आइडिया था, ये यहाँ आके मैंने भी अपने इस डिपार्टमेंट में मैंने इसको दिया कि हमें ये करना चाहिए. और जो जदीद इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैंने वहाँ पे देखे और उनका जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है वो फिर मैंने यहाँ पे आके बताया अपने डिपार्टमेंट में, और वो चीज़ें फिर हमने करना शुरू की. अच्छा. हाँ, वो हम कर रहे हैं, उसमें डिजिटल आर्ट है, उसमें ई लाइब्रेरी हम लोग बना रहे हैं. तो ये चीज़ें, ये वो आइडियाज़ थे जो मुझे वहाँ से मिले. अब ये इसकी डिटेल तो खैर काफ़ी लंबी है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं. उसमें जो मैंने सॉफ्टवेयर्स वहाँ पे देखे जिन पे मैंने, लेकिन इम्पोर्टेंट ये कि काम इनिशिएटिव्स आपने लिए. हाँ, बिल्कुल. अच्छा, बिल्कुल. आपने चूंकि म्यूज़िक पढ़ा भी है और आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, बहुत सारी बच्चियाँ और बच्चे म्यूज़िक पढ़ भी रहे हैं, सो उसके अंदर आप क्या समझते हैं कि एज अ सब्जेक्ट इसे कितना फैसिलिटेट मज़ीद होना चाहिए या हमें करना चाहिए जो नहीं हो पा रहा? देखिए, फैसिलिटेट तो हम तब करेंगे ना जब हमें उसकी सही इम्पोर्टेंस पता होगी कि म्यूज़िक हमारे साथ एक्चुअली करता क्या है. बिल्कुल सही. ठीक है, एक सोसाइटी के लिए ये ज़रूरी क्यों है? तो देखें, ये म्यूज़िक जो है इसके जो बहुत शानदार जो रिजल्ट्स हैं जो मैंने खुद भी लिए हैं और जो जाहिर है अक्सर जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें मैं ये बताता भी हूँ कि एक तो आप बिल्कुल आपकी एक तबीयत में ठहराव आने लगता है, आपकी जो बहुत सारी टेंशन्स हम लेके फिर रहे होते हैं वो ख़त्म होने लगती हैं और आपको पता भी नहीं चलता. इसके बाय प्रोडक्ट्स में यानी आप फोकस्ड होने लगते हैं अपने काम के ऊपर. ठीक है, आप इधर उधर, आप यकीन करें कि आपको देखना अच्छा नहीं लगता, आप इतने फोकस्ड होने लगते हैं. फिर इसका ताल्लुक चूँकि इंसान की रूह के साथ है तो वो जो इनर पीस है जो आप जिसको ऐसे आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि वो है क्या, क्योंकि हमने कभी उसको एक्सपीरियंस नहीं किया. तो ये चीज़ें जब आम आदमी को समझ में आएंगी फिर ये चीज़ें जो हैं ये हमारी सोसाइटी में इतना ये पूरा मन बना देता है आपको म्यूज़िक. फिर आप रिदमेटिक, जब आपकी बॉडी रिदमेटिक होती है तो बहुत सारी एनर्जी जो आप वेस्ट करते हैं वो आपकी नहीं होती क्योंकि उसकी फिर ज़रूरत नहीं रहती. बिल्कुल सही. तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको होना चाहिए
बिल्कुल होना चाहिए और इसे प्रमोट करना इंडिविजुअल की जिम्मेदारी नहीं है। जाहिर है मेरा इदारा कर रहा है, आपका आप भी कर रहे हैं, इदारा भी कर रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि वालदैन को भी अपने बच्चों को उस हिसाब से ज़रा चॉइस देनी चाहिए कि वो किस तरह अपने सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे यूथ के प्रॉब्लम्स हम समझते हैं कि वेस्ट में ज़्यादा हैं और कुछ उनकी थेरेपीज़ या टेक्निक्स डेफिनेटली हमसे ज़्यादा होंगी, हम थोड़ा पढ़ते भी कम हैं। सो जब आप वहाँ पर गई तो ऐसी कोई स्पेशल टेक्निक्स या थेरेपीज़ आपने सीखी या देखी, बिकॉज आपने कहा आप खुद गई हैं सेशंस के अंदर, राइट? सो वो क्या थी जो आपने यहाँ पर? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तौहीद साहब जो कह रहे थे अबाउट म्यूज़िक, तो आई वॉन्टेड टू कनेक्ट इट विद हाउ इट्स रिलेटेड टू आपकी मेंटल हेल्थ। जब हम मेडिटेट करते हैं, वो जब वो बता रहे थे कि आप माइंडफुल प्रेजेंट मोमेंट में रहना, फोकस्ड रहना, वो सारी चीज़ें कैसे आपके म्यूज़िक रिदम के साथ समवट कनेक्टेड होती हैं। हम कभी शायद देखते होंगे वो वायरल हो जाती हैं वो द वीडियोज़ जिसके अंदर म्यूज़िक चल रहा है, अगर बहुत इमोशनल म्यूज़िक है तो इवन अ टॉडलर स्टार्ट्स टू क्राई। तो वो किस तरीके से म्यूज़िक जो है वो किसी को भी इम्पैक्ट करता है ना। 100% एग्री के आपको वो जो इनर पीस का वन ऑफ द एलिमेंट्स, हर किसी की इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को म्यूज़िक या कोई भी थेरेपी जो है वो उसी तरीके से सूद करे जैसे वो मुझे करे या आपको करे। इट हैज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लेकिन जनरली स्पीकिंग आई थिंक दैट म्यूज़िक इज़ वन ऑफ द वेज जिससे थेरेपी जो है वो बहुत, जिसको आप म्यूज़िक थेरेपी भी कहते हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। जहाँ तक बात है टीन्स की या यंगस्टर्स की इश्यूज़ होने में यहाँ पर या वहाँ पर, कंपैरिजन के तौर पे अगर देखा जाए तो आईड से कि इट्स बेटर कि हम कंपेयर ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मसले हैं वो एक हमारे कल्चरल भी हैं, सोशल भी हैं, फिर वो साइकोलॉजिकल और रिलीजियस और वो सारी चीज़ों का एमलगमेशन है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो अभी हम फेस कर रहे हैं दैट इज़ द कन्फ्यूज्ड माइंडसेट ऑफ अ टीनेजर, ऑफ अ यंग एडल्ट। वो इस वजह से है क्योंकि हमारा जो अपनी पिछली जनरेशन के साथ जो गैप है वो सिर्फ एक जनरेशनल गैप नहीं है, अब एक टेक्नोलॉजिकल गैप भी है। हम लोग हर दिन के हिसाब से अपने बच्चे को चेंज होता हुआ देख रहे हैं, और जब तक आप उस तक कैचअप करेंगे वो पहले ही आपसे 10 steps आगे जा चुका होगा, और इसलिए फिर वो ये सोचेगा कि शायद आप बैकवर्ड हैं, आप कंजर्वेटिव हैं, आपको उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी उसके पास ऑलरेडी है। और ऑब्वियसली जैसे ही एक पेरेंट वो ट्रस्ट जो है वो लूज़ कर देता है कि वो अपने बच्चे जितना स्मार्ट नहीं है, बच्चे फिर उसको सीरियस लेना जो है वो छोड़ देते हैं। इसके लिए मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये अंडरस्टैंड करें कि बच्चों के पास ये मेंटल जार्गन है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अभी मैं एक स्कूल के साथ एक कंसल्टेंसी कर रही हूँ और वहाँ पे तकरीबन 130-135 गर्ल्स जो कि बिटवीन 13-16 ईयर्स ऑफ एज है, उनके साथ मेरे हफ्ते में 2 दफ़ा जो है वो सेशंस होते हैं। एंड आई वॉज सो सरप्राइज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एन इंटरेक्शन विद दैम कि मेरा ये ख्याल था कि शायद उनको सब कुछ बताना पड़ेगा, लेकिन उनके पास मेंटल हेल्थ जागन भी थी, उनको पता था कि एनजाइटी क्या होती है, उनको पता था डिप्रेशन क्या होता है। और मैं सरप्राइज थी कि शायद हमें वो बातें तब पता चलती थी जब हम पढ़ रहे थे इस बारे में। दैट मीन्स कि आप अपने अर्ली 20s में पढ़ रहे हैं और ये बच्चे अपनी अर्ली टीन्स के अंदर इन चीज़ों से अवेयर हैं ऑलरेडी। पेरेंट्स के लिए सबसे जो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके बच्चे के पास जागन है, आप इसके ऊपर बिल्ड करें, उसके पास ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन है, आप उसी को पकड़ के उसी के साथ कॉन्वर्सेशंस के अंदर इंडल्ज करें ताकि आप उसकी नॉलेज को मज़ीद इन्हांस कर सकें। पता तो चले आखिर बच्चा सोच क्या रहा है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द टीन्स, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे, बिकॉज आई हैड अ डॉट, तो वो पता चलता है 5-6 साल की बच्ची भी बहुत आपसे शार्प है और आगे जाके उनके बच्चों का जहन आजकल चल रहा है। मैं आपके साथ एक वाक्या शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ पर एक मुझे टेक्सास में डैलस में एक लेडी मिली, उनका नाम डॉक्टर एमी मैचेफ्स्की, वो सितारिस्ट हैं, यानी उन्होंने पीएचडी की हुई है म्यूज़िक में। और वो यहाँ पे पाकिस्तान में, मैंने उनको बुलवाया भी बाद में जब मैं यहाँ आया तो वो उनके यहाँ पे शोज़ हुए। अच्छा, उन्होंने मेरी मुझे एक ऐसी सोच दी म्यूज़िक के ऊपर जो मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। अब उन्होंने मुझे कहा कि तौहीद, ये वो चूँकि उर्दू भी जानती थी तो ज़ाहिर है उन्होंने सितार सीखा, तो उन्होंने इंडिया में ट्रैवल किया, पाकिस्तान में ट्रैवल किया, तो उन्होंने उर्दू सीखी। अब उन्होंने मुझे ये बताया कि इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ रिसर्चेज ऐसी हैं कि इंसान के अंदर जो सुर है ना, उनकी स्टेजेज़ हैं। अब ये एक टेक्निकल बात है, ज़ाहिर है इसको अंडरस्टैंड शायद आपके लिए मुश्किल हो करना। तो उन्होंने बताया कि जैसे सा है, रे है, गा, मा, पा, धा, नी, सा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये आपके अंदर
एक ऐसे मकामात हैं जहाँ जाके जब आपकी सांस ठहरती है तो ये सुर एग्जैक्ट उस फ्रीक्वेंसी पे लगता है। अच्छा, मेरे लिए उस वक्त तो मुझे ये बिल्कुल बात समझ नहीं आई कि ये क्या कह रही है ना। तो मैंने कहा हारमोनियम होता है, आप उस पर साल गाते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ मिल जाती है, तो ये सुर है। अब जब आके मैंने उस पर मुझे काफ़ी अरसा समझ तो मुझे नहीं आई कि उन्होंने क्या कहा है, लिटरली मैं आपको बताऊँ, पर जब आके मैंने वो एक्सरसाइजेस करना शुरू की तो फिर ऐसा हुआ कि मेरा ध्यान उनकी इस बात पे चला गया। तो 2 साल मुझे फिर मैं बहुत डीप जाता गया। फिर 2 साल बाद लिटरली मुझे जाके लगा जैसे मेरी सांस मुख्तलिफ जगहों पे रुकने लगी है। जब मैं आ करता हूँ ना तो मेरी सांस वहाँ एग्जैक्ट उस जगह पे रुक रही है जहाँ उसने मुझे बताया। तो ये अच्छा, उसके बाद फिर बहुत चीज़ें और हुई, यानी वो एस्थेटिकली हैं, अब उनको ऐसे मैं बता नहीं सकता हूँ, पर ऐसा हुआ। उसके बाद फिर मेरे पास अभी व्हाट्सएप में वो मैसेज है जो मैंने उनको किया, और इस पर वो यानी उनको वापस करने में मुझे 3 साल लगे। 3 साल बाद मैंने ये एडमिट किया कि एमी आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक था। आप वैसे ऑन अ लाइटर नोट व्हाट्सएप मैसेज संभाल के ना रखा करें आजकल, तो वैसे भी नहीं देखिए बहुत ज़्यादा है। जो आर्टिस्ट होते हैं ना, हाँ। वो मैंने बताया कि वो चूंकि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज के साथ अटैच, बिल्कुल तो हमें किसी और चीज़ से, हमारे पास इतना और आर्टिस्ट के पास, मैं ये नहीं कहता मैं आर्टिस्ट हूँ, मगर मैं चूंकि वो करता हूँ तो आप यकीन करें कभी और कुछ सोचा ही नहीं। बिल्कुल सही। सोच नहीं। अच्छा, आपने एक म्यूजिक डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग सेंटर भी बनाया हुआ है। जी नहीं, मैंने बनाया वो। आप उसमें क्या यूथ को मौका देते हैं, उनके लिए क्या, किस वजह से बनाया? जी मैं जब वापस आया तो जाहिर है मैंने पहले एक म्यूजिक स्कूल बनाया, जब मेरी सिलेक्शन हुई थी ना तो मैंने मॉडल टाउन में एक म्यूजिक स्कूल बनाया दबिस्तान खुसरो के नाम से। तो ये एक वहाँ मुझे जगह मिल गई 21 के जो क्लब है उसमें। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने ना उसको, मैं उसकी कोई फीस नहीं लेता था, मैं ये चाहता था कि ये काम जो है ये बहुत अच्छा है, इसको आना चाहिए। अच्छा, उसी दौरान में मेरी सिलेक्शन कैसे हुई मुझे नहीं, मैं नहीं जानता कि कैसे किस तरह से मुझे चूज़ किया, लेकिन मेरा ये मानना है कि अल्लाह ताला की तरफ से था। तो वहाँ जा कर जो मैंने सीखा, फिर ज़ाहिर है उस वक्त मेरे पास जॉब नहीं थी, उस वक्त फिर आके मैंने यहाँ एक उसी तरह का एक स्टूडियो बनाने की कोशिश की। उसमें फिर फ़ायदा मुझे ये हुआ कि चूँकि वो एक पैशन था और मेरा अपना ताल्लुक भी ज़ाहिर है एक गांव से है, तो मैं जानता था कि गांव के लोग जो हैं वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो नए टेक्नोलॉजी पे आके अपना काम करें। तो फिर वो मैंने स्टूडियो बनाया, उसको अभी तक मैं चला रहा हूँ, यानी मेरे पास लोग आते हैं और वो ज़्यादा वही लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं करते। बहुत अच्छा है जनाब, आप ये जो टैलेंट है और जो हमारे कल्चर का हिस्सा है उसे प्रमोट कर रहे हैं। थोड़ा सा कमी हमें ये लगती है कि यहाँ पे अक्सर चीज़ें जो होती हैं वो हम बहुत देर से एक्सपोज कराते हैं, जिस तरह आपने बात की कि आजकल टीम्स बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। एक सेंटर है प्रोटेंसिटी के नाम से बच्चों के लिए, मैं हैरान रह गई कि उन्होंने हर तरह का म्यूज़िक सिस्टम छोटे डमीज बना के बच्चों के लेवल के उन्होंने उस सेंटर में रखे हुए कि एक बच्चा जो है वो हर इंस्ट्रूमेंट से एक्सपोज हो रहा है और वो सोच रहा है और उसे पता है कि उसने कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाना है। उसमें ड्रम्स भी हैं, उसमें पियानो भी है और गिटार है, वायलिन है, हर तरह की चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। आप जब वहाँ पर गई और जो एक्सपोजर लेकर आईं, अब सबसे हमारा आजकल मुझे जो चैलेंज लगता है वो हमारा सोशल मीडिया है। नेगेटिव ट्रोलिंग है बहुत ज़्यादा, लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की वजह से कॉम्प्लेक्स का शिकार भी हो जाते हैं। अब तो इस लेवल पे आ गए हैं कि बिल्कुल ही अपने आप को या तो पीछे कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं। इस हवाले से कुछ आपने डिफरेंट चेंज वहाँ पर नोट किया है? सोशल मीडिया मुझे लगता है इकरा के एक ऐसा टूल है जिसको आप जिस तरीके से इस्तेमाल करेंगे उस तरीके का इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा। आपकी न्यूज़ फीड के अंदर वही चीज़ें आ रही होती हैं जो शायद हम बातें एक दूसरे से भी करें, क्योंकि अब हमें पता है कि गूगल सब सुनता है। तो इसलिए हम जो कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, जिन जगहों पर जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आपके फीड को भी इम्पैक्ट कर रही है और आपका फीड अल्टीमेटली आपकी कॉन्वर्सेशंस को इम्पैक्ट कर रहा है। एक छोटा सा इंसिडेंट ये कि वी हैव अ फाउंडेशन, उसका नाम है परवाज़, और हम लोग हर महीने जो है वो फ्री मेडिकल कैंप्स जो है वो डिफरेंट लोकेलिटीज़ के अंदर लगाते हैं और कोशिश कर रहे हैं अभी हम कि फ़िलहाल सिर्फ हम लाहौर की विसिनिटी में रहें, बिकॉज मुझे लगता है कि जब तक पहले हम घर को सही नहीं कर लेंगे तब तक उससे आगे जाने का मतलब यही है कि बस ठीक है, आप यू आर फोकस्ड ऑन क्वान्टिटी। तो हम लोग वहाँ पर एक
जो टेबल होता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कभी आपने किसी मेडिकल कैंप में ये नहीं देखा होगा कि एक साइकोलॉजिस्ट बैठी हुई है या बैठा हुआ है और वो काउंसलिंग भी फ्री में दे रहा है कि आ जाओ बात कर लो. इट वॉज सो इंटरेस्टिंग टू मी कि लोग आकर आई वुड से कि बिल्कुल बेशर्मी के साथ अपने बच्चों के बारे में ये कहेंगे कि इसको प्लीज़ आप उसके सामने ही कह रहे हैं कि आप इससे प्लीज़ बात करें, ये बिल्कुल पागल हो गया. अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक लाइटर नोट के ऊपर देखूं तो मैं ये या इसको अगर एक डिफरेंट एंगल से देखूं तो वो दे आर देमसेल्व्स नॉट एज अवेयर. उनको नहीं पता कि हमने क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं कि इनकी मेंटल हेल्थ अगर फॉर एग्जांपल ठीक नहीं है तो वो मज़ीद ख़राब ना हो. उनके जो इशूज़ थे वो सिर्फ ये थे कि मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं 24 साल का हूँ, मैं दिखने में अच्छा हूँ और मुझे लगता है मैं स्मार्ट हूँ, मुझे लगता है मैं अपना काम कर सकता हूँ, तो इस वजह से मुझे एनजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स उन्होंने मुझे डिस्क्राइब किए और ये मेरी फैमिली जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर रही है. हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग किसी का जब मसला देखते हैं तो हम फौरन से उसको लेबल करना चाहते हैं. अक्सर ऐसे होता है जब मैं लोगों के साथ नॉर्मली हम बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं आज मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ. डिप्रेशन एक क्लिनिकल टर्म है, ये एक बीमारी है. आप ये समझें कि जैसे किसी को एलर्जी हो और वो कहे कि जी मुझे कोई स्किन डिजीज़ हो गई है और मैं पता नहीं शायद कोई स्किन कैंसर हो गया, तो दैट्स अ क्लिनिकल टर्म और आप उसको कंफ्यूज करें विद समथिंग जो कि शायद आप आज उदास फील करें, तो यूज़ द करेक्ट वोकैबुलरी, करेक्ट अल्फाज यूज़ करें कि आज आप उदास हैं, आज आप सैड हैं, आज आप लोनली. एग्जैक्टली. हाँ. मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस है. हाँ बहुत ही. तो हम जो हैं चाहे आप वो क्लास देख लें जो कि आप कहीं किसी गाँव में जाएंगे वहाँ से लेकर हम आज इस क्लास तक, क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं. अभी आपने जब बताया ना वो दैट ऑर्गेनाइजेशन पोटेंसी और आपने बताया कि वो किस तरीके से डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हाँ सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से वो उनको अवेयर करवा रहे हैं. जब आप इंसान को इन्फॉर्म करते हैं, अवेयर करते हैं, वही इन इट सेल्फ एक बहुत इम्पैक्ट देता है उसकी सोच के ऊपर. अच्छा, और अच्छा वहाँ पे सिर्फ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वहाँ पे डेली लाइफ का हर ऑक्यूपेशन वहाँ पे मौजूद है कि बच्चे जाते हैं और उन्होंने ये ऑप्ट करना होता है कि अच्छा उन्होंने अगर मेसन बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इवन फिशरमैन बनना है, वो जाके देखे कि हम कैसे बन सकते हैं. मुझे लगता है कि एज प्रोफेशनल्स एंड एज पीपल हु आर अवेयर हर जगह पे, बिकॉज ऑब्वियसली मैं मेंटल हेल्थ को ही वो करूँगी कि हर जगह पे, चाहे वो स्कूल हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, आई एम वर्किंग विद स्कूल्स राइट नाउ, कंपनीज के साथ, सॉफ्टवेयर कंपनी हो गई, इवन अदर कंपनीज, जब मैं वहाँ पर जाती हूँ और आप जब एक पहले वो एक सर्वे करते हैं जिसके अंदर आप देखते हैं कि मेंटल हेल्थ की अभी क्या स्टेट है, यूड बी सरप्राइज कि कितनी हायर परसेंटेज ऑफ पीपल, लेट्स से अगर 100 लोगों का एक सेशन है जिसके अंदर से अगर 90% ये कह रहे हैं कि आई फील सैड मोस्ट ऑफ द टाइम, और 20% अगर वो कह रहे हैं कि हम सुसाइडल हैं, ये अलार्मिंग चीज़ें हैं कि हमारे आसपास बैठे हुए लोग जो हैं वो ये चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं और हम लोग बिल्कुल अपने अल्फाजों में काइंड नहीं है, अपने एक्शंस के अंदर काइंड नहीं है. हमारे अंदर वो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा खत्म हो गई. दैट्स द करेक्ट वर्ड. लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारे पास ऐसे ऐसे रोल मॉडल्स मौजूद हैं जिस तरह तौहीद साहब हैं या मेरी हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी में यूथ के साथ कनेक्ट भी कर रही हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी की ज़िंदगी में एटलीस्ट थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आ जाए. तो इनका जो एक्सरसाइज प्रोग्राम है वो असल मायनों में हेल्प करे. लोग अक्सर समझते हैं कि गए सैर करके वापस आ गए, बट दिस इज़ नॉट द केस. अपनी अपनी कैपेसिटी में हर कोई वो काम ज़रूर कर रहा है. बहुत शुक्रिया तौहीद साहब आपका, बहुत शुक्रिया मेरी आपका. नाज़रीन, तो कोशिश जिस तरह आज बहुत ही हमारी डिस्कशन भी ऐसी हुई, एक चीज़ ये कि चॉइस मैनेजमेंट पर काम ज़रूर करें, अपने बच्चों को चॉइसेस दें, थोड़ी लिबर्टी दें सोचने में, ऑप्ट करने के अंदर, और सेंसिटिविटी रखें हर मामले को लेकर, थोड़ी सी हसासियत रखें, इतनी भी ना रखें कि वो कुछ ज़्यादा हो जाए, लेकिन हसास रहिए कि आपकी किसी की कही हुई बात से किसी और का दिल ना दुख जाए, किसी और को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए या किसी को कोई चीज़ बुरी ना लग जाए. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. और इसके साथ ये भी याद रखिए कि हमसे कनेक्ट करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, हमसे कनेक्टेड रहिए व्हाट्सएप के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए और इंस्टा के ज़रिए. खुश रहिए और खुश रखिए. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.